बेलाकोबा वन विभाग ने फिर 40 लाख रुपए कीमत की बर्मा सागौन की लकड़ी की बरामद। राजगंज के फाटापुकुर इलाके से रविवार तड़के सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी राष्ट्रीय राजमार्ग पर लकड़ी से लदे एक कंटेनर को वन अधिकारियों ने पकड़ा। बर्मा सागौन की लकड़ी असम के गुवाहाटी से तस्करी कर कोलकाता भेजे जाने से पहले ही बेलाकोबा वन विभाग के अधिकारियों ने कंटेनर समेत लकड़ी को जब्त कर लिया। ज्ञात हुआ है कि लकड़ी तस्करी के लिए गुवाहाटी से कलकत्ता ले जाई जा रही थी, तभी तलाशी के दौरान उस वाहन से करीब 40 लाख रुपए मूल्य की बर्मा सागौन की लकड़ी बरामद की गई। इस घटना में कार चालक को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही आरोपी की पहचान उत्तर प्रदेश निवासी रामविलास के रूप में हुई है। आरोपी को आज जलपाईगुड़ी कोर्ट में पेश किया जाएगा। Damn.